सृष्टि समय से आज उपस्थित हूँ कोटला मुबारकपुर कस्तूरबा नगर, जहाँ मैं अजय मोहन जी के जन्मोत्सव पर आया था, जहाँ पर अब मैं इनके साथ निष्कृष जी के वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के, जो कि साकेत कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, इनके साथ बैठा हुआ हूँ। और अब ये बताएंगे कि आज यहाँ जन्मोत्सव पर यहाँ क्या क्या हुआ। देखिए, सुबह जैसे कि यूथ कांग्रेस ने अपनी टीम बनाई और अजय माकन जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकजुट हुए, और हमारे कस्तूरबा नगर विधानसभा के पूर्व विधायक नीरज भूसे जी ने कड़ी मेहनत करते हुए वासी को, क्षेत्रवासी को एकत्र किया और पी ब्लॉक पार्क में बुलाया और उनको कंबल वगैरह बांटने की अनुमति दी। और अजय माकन जी के आने के बाद यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया उनकी निगरानी। मैंने सुना है सीलिंग के विषय में भी उन्होंने कुछ कहा। देखिए, सीलिंग के विषय में अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि पहले कांग्रेस के टाइम से सीलिंग चलती हुई आ रही थी, अजय माकन जी ने खूब जोर लगाया, खूब मेहनत करी। उस टाइम नीरज, हमारे पूर्व विधायक जी थे नीरज भूसिया, इस क्षेत्र में उन्होंने कड़ी मेहनत करी और सीलिंग को रुकवाया। प्लस जो कि बिल्डिंग अपनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बिल्डिंग बन रही थी, एक फ्लैट बन रहे थे, कुछ भी बन रहा था, तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि MCD वाले रोक कर रहे थे जी, ब्लॉक कर रहे थे बनाने के लिए, वो नीरज भूसिया जी ने कड़ी मेहनत करने के बाद उस चीज़ को रोक लगाई और उसको सीलिंग के थ्रू रुकवाया, सीलिंग खुलवाई जो सील थे। और कांग्रेस के टाइम पे अजय माकन जी ने कड़ी मेहनत करते हुए ये सीलिंग रुकवाई जी। तो आगे सीलिंग के विषय में कांग्रेस पार्टी का क्या नाम है? देखिए, जैसे कि अजय माकन ने अभी खुद अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आश्वासन देता हूँ कि सीलिंग रुकवाएंगे। देखिए, मैं खुद कहूँगा, एक बागडोर संभाल रहा हूँ मैं, यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस पोस्ट पे, एक एडवोकेट होने के नाते मुझे भी पता है कानून किस दौर तक और किस तहत तक जाता है। तो इसी बात से मैं आपको बताऊंगा कि अजय माकन जी के थ्रू एक जो संदेश पहुंचा है हमारे क्षेत्रवासियों के पास कि भाई पूर्व विधायक जी हमारे नीरज भूसिया जी का वापस लाइए और सीलिंग को रुकवाइए। पूर्व आश्वासन है कि भाई आप एक बार कांग्रेस को फिर से भरोसा करें और भरोसा करने के बाद आप सीलिंग को रुकवा महसूस करें। जैसा कि इनका कहना है कि सीलिंग को रुकवा फिर दोबारा महसूस करेंगे, मैं इनसे फिर ये जानना चाहूँगा, आप ये बताएं इसमें आपके खुद के क्या राय है? देखिए, हमारी खुद की ये राय है, जैसे कि पहले कांग्रेस ने मेहनत करी और सीलिंग को रुकवाया और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना बिजनेस चालू करा, अपना रोजगार पाया, उसी बात से BJP के तहत जैसे बेरोजगार आज के टाइम में लोग खो रहे हैं, मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको कि अजय माकन जी के नेतृत्व में यह रोजगार दोबारा वापस मिलेगा। जैसा कि इन्होंने कहा, इन्हें अजय माकन जी के ऊपर पूर्ण भरोसा है, कांग्रेस सरकार के ऊपर इन्हें पूर्ण भरोसा है, और इनकी अपनी राय भी यही है कि उसके मुताबिक कांग्रेस अगर वापस आती है तो खोया हुआ कारोबार दिल्ली के लोगों को फिर दोबारा वापस मिलेगा, और उसके साथ साथ जो सीलिंग चल रही है वो सीलिंग पे फिर रोक लगेगी, और जो बंद भी हो चुका है वो दोबारा से चालू किया जाएगा, जो बंद सील हो चुकी है उन्हें फिर कारोबार वापस दिया जाएगा। सृष्टि समय के साथ मैं चित्र